ये हनुमान जी, ये गणेश जी और ये लोग यहाँ पे मेरे दोस्त लोग जो आपको हर ऑलमोस्ट एवरी शूट में दिखते हैं। मंदिर कौन सा है, यही है क्या? मुझे लगा कोई और है। अच्छा, ये मंदिर का नाम है भक्सुनाथ प्राचीन मंदिर, भक्सुनाथ। तो ये हमारा पहला स्टॉप है और ऊपर जाना पड़ेगा। हम लोग मंदिर बाद में विजिट करेंगे, पहले हम जाके वाटरफॉल देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंदिर में शूज निकालना पड़ेगा। तो इस बेटर कि हम लोग पहले दूसरे स्पॉट कवर करते हैं, क्योंकि सब कुछ पास पास में ही है, उसके बाद एंड में मंदिर जाएंगे। यहाँ पे वे टू वाटरफॉल इस तरफ चलो। पूरे रास्ते में आपको शॉप शॉप मिलेंगे, ये वुलन वेयर्स, ये कुछ चीजें। सावधान, यहाँ से पत्थर गिरते हैं। चेक दिस आउट गाइस, लुक एट द व्यू, पूरा स्नो कवर्ड। आई थिंक वाटरफॉल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि फ्रीज हुआ हुआ है, बट मुझे उस साइड थोड़ा सा पानी दिख रहा है और लोग भी आई थिंक वहाँ तक गए हैं। हम लोग का पता नहीं, हम लोग जा रहे हैं कि नहीं वहाँ पे। ओके, वी आर गोइंग दैट साइड क्या? हम लोग ने डिसाइड किया है हम थोड़ा सा वॉक करके वाटरफॉल तक जाएंगे। I mean, थोड़ा सा ट्रैक टाइप है, मिनी ट्रैक। हाँ, और यहाँ से वो रास्ता दिख रहा है, उधर तक जाके फिर वहाँ से हम वाटरफॉल देखेंगे। बर्फ 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 हर जगह, फोटो सेशन। क्रीज की तो ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, किसी पे तो भी आइस गिरने वाली है अभी मस्त। सांसें फूलने लगती है बर्फ में, जितना ज़्यादा चलो उतना। स्नो में लोग खेल रहे हैं। ये एक्चुअल क्रिसमस ट्री, यही रहता है ना क्रिसमस ट्री, इस पे ही सजाते हैं। तो गाइस, ठंड में थोड़ा सा भी चढ़ाई बहुत ज़्यादा लगता है। हमने कुछ सो टाइप स्टेप्स चढ़े होंगे, बट मेरी सांस फूल रही है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आई कैन नॉट ब्रीथ, इसलिए मैं रुक रुक के चल रही हूँ। और कितना चढ़ना है विशाल? थोड़ा दूर और है। ओह गॉड, बहुत ही ज़्यादा दूर लगते जा रहे हैं। आई डोंट नो ये कहाँ एंड हो रहा है। वाटरफॉल दिखा क्या वहाँ पे, हल्का सा वाटरफॉल? आई गो, बहुत ऊपर आ गए हम लोग, वहाँ से स्टार्ट किए थे। अभी वहाँ तक मेरे को व्यू पॉइंट दिख रहा है। ये विशाल फोटोग्राफी कर रहा है। रुको, मैं किधर और निशाना लगा लेता हूँ। ये देखो, ये पोल पे निशाना लगा रहा हूँ मैं। ये वाला पोल है ब्रो, इतना पास वाला भी फ्लॉप हुआ। तो गाइस, ये यहाँ से पूरा बर्फ 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 है, और बर्फ एक्चुअली ना, ये देखो मैं हाथ में बर्फ का गोला बना रही हूँ, बट कुछ फील नहीं हो रहा है। और ये मैं ऐसे खेलेंगे हम लोग, ऐसा लगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है। और वो वाले जगह पे जहाँ पे थोड़े लोग, लोंडे लोग फोटो खींच रहे हैं, वहाँ पे हम जाके फोटो सेशन करेंगे। और ये देखो वाटरफॉल, थोड़ा सा पानी है, बट नीचे नीचे जाता जाता वो फ्रोजन हो जाता है। हम लोग वहाँ से पीछे से जो आपको रोड दिख रहा है वहाँ से चल के आए हैं यहाँ पे पहाड़ों में से, पत्थरों में से, स्लिपरी जगहों में से। और ये मनीषा स्ट्रगल करते हुए जा रही है। दिखने में आसान है लेकिन स्लिपरी बहुत है। और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे ऊपर, यहाँ पे एक टेंपल है और होपफुली व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। गाइस, हालत बहुत ख़राब हुई है और मुझे एक्चुअली चढ़ाई इतना पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं चढ़ गई हूँ। तो एक ट्रिक मेरे को ध्यान में आई कि ना, पूरा जहाँ तक जाना है वो देखो ही मत, जो स्टेप्स है ना, अगला स्टेप उसको ही देखो एंड उसको ही फॉलो करो और विदाउट स्टॉप लिए चलो।
तो थकावट कम होती है। तो अभी इतना ज़्यादा सांस फूल रही है और गला अंदर से पूरा ड्राई हो चुका है, तो और हमने पानी भी कैरी नहीं किया। तो यहाँ पे देखते हैं स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं कुछ, वहाँ से पानी का बॉटल लेना पड़ेगा। अब ऊपर जाके हम स्नो में खेलेंगे थोड़ा और एंजॉय करेंगे। लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं और मैं भी जाके उनको ज्वाइन करती हूँ। वैसे हमारे ग्रुप में सबसे लेट चढ़ाई पे पहुँचने वाली मैं ही हूँ। ये लोग मेरे को बहुत चिढ़ा, ऑलरेडी फॉर्म में लग गया है। नहीं बॉम्ब फेंक रहे हैं लोग मेरे पे। ब्रो मुझे मारो बट कैमरा को नहीं मारो। वाओ लुक एट द व्यू। पेट पे बाण मारी है प्रभु। चलेगा बट कैमरा को नहीं। और ये मैडम मेरे पे बम फोड़ने वाली है, आइस वाला। ओह माय गुडनेस, ये ले। नहीं लगा मुझे पार्ट से। बट विशाल ये ना कुछ भी ठंड नहीं लग रहा है। इधर ले इधर, ये बर्फ का गोला ऐसे इतना ठंडा है कि खाने का मन कर रहा है। किसको मारू, किसको ए, तुम लोग क्लैश करो ना, दोनों एक दूसरे को मारो, लेकिन एक दूसरे को मतलब वो गोले पे गोला गोला लगना चाहिए। गोला एक नहीं नहीं, वो महाभारत में कैसे दो लोग ऐसे। हाँ हाँ वैसे वैसे ही वही बोल रहे, दोनों का गोला टच होना चाहिए। आई डोंट नो, तेरा एम लगेगा उसके फेंकने के बाद। तू फिर अपन को गोले पे गोला लगाना है। ओके गोले पे गोला मार रहे हैं। गोले पे गोला, गोले पे गोला। ओके 1 2 3। यहाँ पे पूरा बर्फ में खेल सकते हैं। ये मंदिर है हनुमान जी का, ये माता जी है। ये वाला टेक ले। रेडी स्टेडी एक्शन। नाइस। बट ब्रो मेरे को वो गोले पे गोले वाला सीन चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, अपने बस की बात नहीं है, सो लीव इट। सो गाइस देखा ना आपने कितनी अच्छी जगह है, जन्नत जैसा फील हो रहा है। और मेरे को इस बात की खुशी है ना, मैंने जैकेट उतार दिया है और मैं विदाउट जैकेट बर्फ में खेल रही हूँ। लाइक आई साथ में लेके हम लोग खेल रहे हैं। अब मैं थोड़ा टाइम एंजॉय करती हूँ और इसके बाद हम कुछ 15-20 मिनट यहाँ खेलेंगे और उसके बाद निकल जाएंगे वापस। उसके बाद हम गाइस क्या करो, कुछ क्या करना है। मैं इतनी सुंदर में क्या करूं। ऑल सेट विथ हिज लुक। मार 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 इसको। ये कहां-कहां से देख के आता है इंस्टाग्राम पे और ऐसे पोजीशन रिक्रिएट करता है, दैट इज अ सीक्रेट। और करूं नहीं नहीं, मेरे को देखना है फिर कैसे दिख रहा हूं मैं। दिखा ना उसको, देख देख ले फ्रंट व्यू। अरे इतना मजा नहीं आ रहा क्या? नहीं नहीं आ रहा, आ रहा, आ रहा। अरे तेरा फोन देना, तेरा फोन। अरे रुक रुक रुक, आईफोन निकालती हूं। हाय गर्मी। ठीक है चल फोटो सेशन करते हैं। सो गाइस मैक्लोडगंज की बर्फीली पहाड़ियाँ में घूम के खेल के हो गया है। मतलब आई थिंक आज के दिन अगर अपन सिर्फ यही स्पॉट कर लेना तो भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है। तो अभी हम रिटर्न हमारे क्या क्या हुआ, आइस रहेगा तो ज्यादा मजा आएगा। हाँ मतलब आइस है तो सब कुछ है यार, वही देखने के लिए तो हम मुंबई से यहाँ आते हैं इतने दूर पहाड़ियों में। तो अभी आइस मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया है तो हमको चलने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, नहीं तो हम जब आ रहे थे तो बहुत फिसलन हो रही थी। सो इट्स ऑल ओके नाउ। तो हम लोग हमारे पार्किंग एरिया में जाएंगे और फिर दूसरा साइट सीइंग करेंगे। सो अब हम ये देख क्या कर रहे हैं पीछे में, वीडियो बॉम्ब। सो जर्मन बेकरी करके जगह है, यहाँ पे कुछ अच्छा सा गरम गरम सूप पियेंगे। तो टू गुड, लाइक अंदर तक गर्मी जा रही है। वाव इंडियन पिज्जा क्या लग रहा है, खतरनाक। और हमारा पास्ता भी बहुत कम है। सो आई एम सो हैप्पी विद दिस जर्मन बेकरी। सो गाइज अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाएंगे जो कि है दलाई लामा मोनेस्ट्री एंड टेम्पल। ओके तो चलो।